हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट जिसमें हम केमिकल इक्वेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टी हैं उनको जाना, कैरेक्टरिस्टिक को जाना, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके बारे में हमने जाना। आज हम यहाँ केमिकल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन जो है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसके जो सिंबल और सूत्र होते हैं उनको किसी इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे, जितनी भी केमिकल इक्वेशन होती हैं उनमें जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं उसको भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसमें प्रोडक्ट बनता है उसको भी एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान के चलिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हमने दोनों को लिया तो ये रिएक्टेंट है, इससे हमको प्राप्त होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जिंक जब हम लेते हैं तो जिंक का जो फॉर्मूला, जिंक का जब सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो Zn प्लस H2SO4 एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और इधर हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से ये जिंक प्लस H2SO4 ये तो रिएक्टेंट हो गया, एरो के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला हुआ है ZnSO4 प्लस H2, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। फॉर एग्जांपल जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन वर्ड जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दिस इज नॉन एज वर्ड इक्वेशन। वी कैन चेंज वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन बाय रिटन सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन प्लेस ऑफ देयर नेम। सिंबल ऑफ जिंक इज इक्वल टू Zn, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू H2SO4, फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट इज इक्वल टू ZnSO4, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू H2। सो पुटिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, रिएक्टेंट Zn प्लस H2SO4 रिएक्टेंट एंड ZnSO4 प्लस H2 प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विद कंबाइन ऑफ रिएक्ट आर नॉन एज रिएक्टेंट। Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट हियर। द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इन द इक्वेशन विथ प्लस सिंबल बिटवीन देम एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट इन दिस केस।
ओके एंड द एरो साइन पुटिंग टूवर्ड द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बिटवीन. Now second example, a chemical reaction can be represent following chemical equation with state symbol of reactant and product. जो हमारा ये second example है ये state को display करेगा यहाँ पर जिसमें हमने सबसे पहले लिया हुआ है CaOH2 calcium hydroxide plus CO2 यानी कि carbon dioxide arrow CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O यानी कि पानी बनेगा वाटर. तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस हुआ, एक्वस एक स्टेट हो गई. CO2 गैस, गैस स्टेट हो गई. उसके बाद CaCO3 सॉलिड, S लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट हो गई. और H2O जो है वो लिक्विड, लिक्विड स्टेट हो गई. तो एक्वस जो स्टेट होगी, एक्वस स्टेज होती है, इसको हमने H2O के अंदर घोला हुआ है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, लाइम वाटर. तो ये एक्वस स्टेज हो गई. तो इस तरह से ये स्टेज को डिस्प्ले कर रही है, ये वाली जो रिएक्शन है वो स्टेज को डिस्प्ले कर रही है. यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है. कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो व्हाइट पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट मिलेगा हमको, और H2O लिक्विड वाटर के रूप में मिलेगा. केमिकल रिएक्शन के बाद आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन. यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, उसमें बैलेंस और अनबैलेंस होना, इक्वेशन का बैलेंस और अनबैलेंस होना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन की. ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. यानी कि जो रिएक्टेंट होता है उसके एटम का जो नंबर है और रिएक्टेंट का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए. उसके जो एटम है दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड इक्वल एटम होना चाहिए. तो यदि वो इक्वल एटम होगा तो रिएक्शन इक्वल होगी, बैलेंस होगी. और अगर उसमें एटम का नंबर डिफरेंट है तो वो अनबैलेंस होगी. तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे. जैसे Zn plus H2SO4, यहाँ पर हमने जिंक लिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, उसको रिएक्ट किया तो उसके बाद हमको ZnSO4 मिलेगा प्लस H2 जिंक सल्फेट मिलेगा हमको और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ Zn एटम इन रिएक्टेंट कितने होते हैं, 1. प्रोडक्ट में भी कितना आएगा, Zn प्रोडक्ट यानी कि राइट साइड कितना है, 1. लेफ्ट साइड भी 1 है और राइट साइड भी 1 है. तो Zn का जो एटम है, नंबर ऑफ एटम है, वो दोनों साइड 1-1 है, इक्वल है. ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट की साइड में कितना है, नंबर 2. ऐसे ही प्रोडक्ट की साइड में कितना है हाइड्रोजन, 2. तो इसका नंबर भी इक्वल ही नंबर आएगा. इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ सल्फर एटम की. तो यहाँ पर जो सल्फर एटम है रिएक्टेंट की साइड में कितना है, 1 सल्फर है, SO4, SO4 में 1 सल्फर यूज हुआ है. ऐसे ही प्रोडक्ट की साइड में भी ZnSO4, तो S जो है यहाँ पर सल्फर, 1 सल्फर है. तो सल्फर भी कितना है राइट साइड में, 1 है, और लेफ्ट साइड में भी कितना है, 1 सल्फर है. तो ये भी बैलेंस है. इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की साइड में कितना है, 4, और प्रोडक्ट की साइड में कितना है, 4. तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट की साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं
वो और प्रोडक्ट की साइड में जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों ही इक्वल हैं, तो ये जो बैलेंस जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं अनबैलेंस रिएक्शन की, और उसको कैसे इक्वल करेंगे वो भी हम जानेंगे। इसके बाद आती है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी हमको मिलता है उसमें एटम का जो नंबर होगा वो अनइक्वल होगा। दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो एटम का नंबर होगा वो अनइक्वल होगा। जिसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2+O2, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। इसको जब हमने आपस में मिक्स किया तो हमको क्या मिला, H2O पानी मिला। अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, H2 यानी कि 2, और जो प्रोडक्ट है उसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, वहां पर भी 2 है। ऐसे ही हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, यहाँ पर 2 है। और दूसरी साइड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, यहाँ पर H2O यानी कि 1। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का एटम, लेफ्ट साइड 2 है, राइट साइड कितने हैं, 1 है। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी अनइक्वल है, इक्वल रिएक्शन नहीं है। अब इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन सा एटम हमारा इक्वल नहीं है, उसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को हम कितने करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में 2 करेंगे। तो यह 2 करने के लिए नीचे नहीं लिखेंगे, उसके सामने इधर लिखेंगे। नीचे लिखने से क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा पानी का वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसको नीचे चेंज नहीं करेंगे, उसके आगे चेंज करेंगे। तो 2 कहाँ पे लगाएंगे, H के पहले 2 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2H2O, यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो हाइड्रोजन की 4 संख्या हो गई। अब इस साइड इक्वल नहीं है, राइट जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2। तो अब इसको 4 करना है, तो 4 करने के लिए H के पहले यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2H2+O2 एरो 2H2O। कुछ केमिकल रिएक्शन को हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमको CO2 और H2O प्राप्त होता है। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो CH4+O2 एरो CO2+H2O। तो ये इक्वेशन जो हमारी है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो इसको हम देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है हमारे और जो प्रोडक्ट है उसके एटम को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर CH4 लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, CH4 में कार्बन कितना है, 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में भी कितना है, CO2 बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा कार्बन कितना है, 1। इसके बाद हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन CH4 में कितना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। ऐसे ही H2O में कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये अनबैलेंस है। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 O2 में, और H2O में
कितना है 1 और CO2 में O कितना है 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो जो प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो कितना है एटम 3, और जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है वो कितना है 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो अनबैलेंस है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में है, H2O में, तो इसके आगे यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना है रिएक्टेंट साइड में 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 यहाँ पर लगाएंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। अब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है, 4 ऑक्सीजन हो गया, तो उसके लिए फिर हम जो ऑक्सीजन है उसको रिएक्टेंट साइड में चेक करेंगे। अब हम फिर से इसको देखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं 4, क्योंकि CH4 तो 4 है इधर, और प्रोडक्ट में कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं 4, प्रोडक्ट में कितने हैं 2H2O के साथ में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में O2 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में 2H2O तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए और CO2 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गए, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 4 और 4 दोनों साइड हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है हमारा भी, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, वो 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कहाँ पे बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड में बैलेंस करना है, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को 4 करना है, 4 करने के लिए O2 के आगे यहाँ पर 2O2 कर देंगे, तो 2O2 करने से 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन राइट साइड में हो जाएंगे, तो इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन है ये अब बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है बैलेंस करने के लिए, एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, सोडियम सल्फेट Na2SO4। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये जो हमको प्राप्त होता है, यहाँ पर हमने CuSO4 प्लस NaOH लिया हुआ है, जब ये रिएक्ट हुआ तो उसके बाद CuOH2 प्लस Na2SO4 ये रिएक्शन में दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये जो रिएक्शन दी हुई है ये हमारी बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो यहाँ पर लेट अस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ CU एटम इन रिएक्टेंट 1, इन प्रोडक्ट 1, नंबर ऑफ सल्फर एटम इन रिएक्टेंट 1, इन प्रोडक्ट 1,
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट 5, इन प्रोडक्ट 6। यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, CuOH2, दो ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, Na2SO4, चार ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो कितने हो गए 6। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितने दिए हुए हैं, CuSO4 4 ऑक्सीजन इधर दिया हुआ है, NaOH 1 ऑक्सीजन इधर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हुए यहाँ पर 5, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हुए 6। ऐसे ही नंबर ऑफ सोडियम एटम, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 1, और राइट हैंड साइड दिया हुआ है सोडियम एटम कितना दिया हुआ है, Na2SO4, यानी कि कितने हुए यहाँ पर 2 सोडियम हुए। ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो दिया हुआ है NaOH, यानी कि 1 दिया हुआ है रिएक्टेंट में, और इन प्रोडक्ट में दिया हुआ है Na2SO4, यानी कि 2। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमको अनबैलेंस दिखाई देता है वो ऑक्सीजन एटम दिखाई देता है, सोडियम एटम अनबैलेंस दिखाई देता है, और हाइड्रोजन एटम अनबैलेंस दिखाई देता है। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमने किया हुआ है ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया हुआ है, तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में NaOH 2NaOH 2 लगा दिया है, 2NaOH, तो 2NaOH से कितने हो गए यहाँ पर CuSO4 में 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, और 2NaOH में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, तो कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। दूसरा 2Na, और इधर भी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी Na2SO4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी Na कितना है, सोडियम कितना है 2 है, इधर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम एटम भी बैलेंस हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पर हमने जो 2 लगाया हुआ है 2NaOH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो एटम है लेफ्ट हैंड साइड में है वो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, और इधर 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे प्रोडक्ट की साइड में। तो इस तरह से अब ये बैलेंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। नंबर ऑफ CU एटम 1 रिएक्टेंट में 1 प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 रिएक्टेंट में 1 प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 6, नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 रिएक्टेंट में और 2 प्रोडक्ट में। तो इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन हो गई है। तो इस तरह से ये बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने का मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाई देगी अभी, उस एक्सरसाइज में आपको जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस होगी। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।